मुक्ति पत्र के लिए सालों से हक की लड़ाई लड़ रहे 2013 पुलिस आरक्षी भर्ती के अभ्यर्थी अब न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए हैं। व्यवस्था से परेशान हो चुके अभ्यर्थियों ने महामहिम राज्यपाल से नियुक्ति पत्र की बजाय सामूहिक इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। न्याय के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम को पत्र भेज दिया है। अर्शद, क्या मामला है? सर, हमारा मामला है, हमारा सितंबर में मेडिकल करा लिया है। मेडिकल कराने के बावजूद भी एक साल हो गए, हमें अब भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। हम दर दर भटक रहे हैं, बहुत परेशान हैं। और या हमें इच्छा मृत्यु दी जाए या फिर हमें नियुक्ति दी जाए। नहीं मिली तो हम इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक हमें नियुक्ति नहीं दी जाती। यहाँ पे आयो किस लिए आयो? सर, हमारा जो 2013 का भर्ती है, पुलिस भर्ती अब 2013, जिसमें हम न्यू मेडिकल पास, ओल्ड मेडिकल पास, लगभग पिछले 3 से 4 साल से का नाम है, दर दर भटक रहे हैं। सर, हमारा रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है भर्ती बोर्ड के द्वारा। हम मांग कर रहे हैं DM साहब से कि हमें इच्छा मृत्यु की मांग के हमें दी जाए, कि हम परेशान हो चुके हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं, दर दर भटक रहे हैं अपने भर्ती के लिए। और ना चाहते हुए हम आज बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु दी जाए और नहीं तो फिर हमें नियुक्ति दी जाए, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारे साथी पिछले हम दो हाई कोर्ट से लड़ चुके हैं। सर, हम ऑर्डर करा चुके हैं अपना, जब हम 32-17 और 34-17 में हम अपना ऑर्डर करवा चुके हैं उपेंद्र कुमार बनाम UP गवर्नमेंट का, लेकिन उसमें भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। हाई कोर्ट से हमारा आदेश होने के बावजूद भी हमारी भर्ती को रोका जा रहा है, रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। जबकि प्रोसेस में था सर कि नए बच्चों को मेडिकल करा के सिर्फ रिजल्ट देना था, जो कि अभी नहीं दिया गया, इसलिए हम परेशान हो चुके हैं। हम भूख हड़ताल की मांग करते हैं DM साहब से। हम चाहते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु की भी मांग के लिए हम मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम सनी यादव है, साथ में हमारे साथी हैं सब, जो आरक्षी पुलिस भर्ती 2013 के कैंडिडेट हैं सारी।